बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान। क्लास नाइन्थ हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। इसका क्वेश्चन टू है, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका, बार 3x माइनस 5 बार इज इक्वल टू 4। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने ये सबसे पहले ये बार ख़त्म करना है। ठीक है, 3x माइनस 5 सिंपल लिखेंगे इज इक्वल टू, जब बार ख़त्म किया जाता है तो आपने यहाँ पे एक प्लस माइनस का इजाफा करना होता है। ठीक है, अब आपने इस टर्म को, सारी इक्वेशन को प्लस के साथ लिखे और माइनस के साथ लिखें। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और लिखें 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 3x इधर ही, माइनस 5 इधर जाके प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3x इधर ही, माइनस 4 माइनस 5 इधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 और यहाँ पे भी स्टेप करें, 3x इज इक्वल टू 5 में से आपने 4 को माइनस कर दिया है तो आपका आ जाएगा 1। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 1 लिखें और इसको भी आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, कि ये जो वैल्यूज हमारी आई हैं, ठीक है, इनको हम रिड्यूस करेंगे। 3 वन ज़ा 3, 3 थ्री ज़ा 9, तो x हमारा यहाँ पे आ गया है 3 और यहाँ पे हमारा जो x है वो 1/3 आया हुआ है, ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता तो ये 1/3 आ गया। हमारे पास x के दो आंसर्स आए हैं, एक 3 और एक ये 1/3, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट, ठीक है, वो आपका आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा और एक 1/3 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1/2 बार 3x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। आपने पहले क्या करना है कि 1/2 बार 3x प्लस 2 को ऐसे लिख लेना है, माइनस 4 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएं, प्लस 4 हो जाएगा। 1/2 बार 3x प्लस 2, 11 में प्लस 4 करें आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1/2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बार आप ऐसे ही लगाते हैं, 15 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 3x प्लस 2 बार और यहाँ पे 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 30 आ जाएगा। अब आपने ये बार की वैल्यू को ख़त्म करना है, प्लस माइनस लगाना है साथ। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। ठीक है, अब आप इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखें और एक दफ़ा माइनस के साथ। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 30। 3x, ठीक है, 30 यहीं पे, प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी हम सेम स्टेप करेंगे, 3x माइनस 30 प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 30 में से आपने 2 को माइनस करना है, आपका आ जाएगा 28 और यहाँ पे भी आप करेंगे 3x इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 2, ये आपका बन जाएगा माइनस 32। ठीक है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 28/3 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपने यही काम करना है, माइनस 32/x को इधर, x के साथ 3 जो है वो आपके इस साइड पे लेके आए, आपका 3 इधर आ जाएगा, माइनस 32/3, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 28/3 और आपका क्या आ जाएगा, माइनस 32/3 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लास नाइन्थ, अब हम कह रहे हैं क्वेश्चन टू का थर्ड पार्ट, बार 2x प्लस 5 बार इज इक्वल टू 11। बार ख़त्म करें आप, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, प्लस माइनस लगाएं यहाँ पे, 11 आ जाएगा।
अब एक इस सारी टर्म को आप एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 11 और लगाएं साथ। 2x 11 प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पे भी करें माइनस 11 प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 11 में से आप 5 को माइनस करें 6 और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 11 और 5 दोनों में माइनस का साइन है, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका बनेगा माइनस 16। एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम स्टेप करेंगे और अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 2 के टेबल में रिड्यूस हो जाएंगे। 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 आ गया और यहाँ पे 2 वन ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे हमारा आ गया है माइनस 8। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, 3 एंड माइनस 8। सो सॉल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा 3 माइनस 8 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।